नंबर 804 कैदी नंबर 804 नवा पागी ताकतदार कैदी नंबर 804 नवा पागी ताकतदार कैदी नंबर 804 लाहौर बार एसोसिएशन के मेंबरान साहिबान आईएलएफ के मेंबर्स जनाब आईएलएफ के चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद जाफरी साहब आईएलएफ के पाकिस्तान ब्रदरन चौधरी शिया साहब आईएलएफ पंजाब के सदर जुबेर कसाना साहब और हमारे सारे साथियों आपकी इस जोश वलवला जज्बे का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाईकोर्ट बार की एक हिस्ट्री रही है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आईन के सुप्रीमेसी के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए। हमेशा लाहौर हाईकोर्ट बार ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये लाहौर हाईकोर्ट बार है जिससे लॉ की इंटरप्रिटेशन करके आवाम के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करते हुए मेक श्योर किया कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव आजाद हो और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखे। इंसान तब हो सकता है जब सारे पावर एक ताकत में मजबूत हो मिला रहे। हमारी कोशिश आज यही है। आपने देखा जज साहिबान ने लेटर लिखे, जो लोगों को इंसाफ देता है आज वो खुद अगर इंसाफ के तलबगार है तो आवाम के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे होगी। ये बात पाकिस्तान की आवाम आज बाहर निकल के जज साहिबान को ये पैगाम देना चाहती है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम और हर वकील पाकिस्तान का आपका शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रगल में आपका साथ देंगे। हमारी किसी से झगड़ा नहीं, किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तब हो सकता है जब आवाम के बुनियादी हकूक महफूज हो, जब आजाद अदलिया आजाद माहौल में आजाद मनश जजेस आजादाना फैसले करे। ऐसे ना हो कि जजेस के घरों में उनके वाशरूमों में कैमरे लगे हो, ऐसा ना हो कि जजेस को डराया धमकाया जाए। हम कोशिश करते हैं, हम यही समझते हैं कि जो हमारी बहनें जेलों में है उन बहनों को एक के बाद दूसरे केस में अरेस्ट करना, अदलिया के आदर को हवा में उड़ाना एक बुनियादी हकूक तो क्या इन औरतों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हम इसकी मुजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ 203 केसेस बनाए गए, ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये सारे फेक केसेस है। अयाला जेल में जिस वक्त केसेस प्रोसीड हो रहे थे 14-14 घंटे ट्रायल हो रहा था। मैंने जज साहब से एक दिन पूछा कि कितना ब्रेक करोगे, जज साहब ने कहा इतना ही ब्रेक करेंगे जितने में हम जुमा पढ़ सकते। वही जज साहिबान इसने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर इज्जत वाला ट्रायल कंप्लीट कर लिया था। 8:30 बजे शुरू किया, 11 बजे तक ट्रायल चला। दूसरे दिन फिर 9 बजे जज साहब बैठे, 10-10 मिनट की ब्रेक की और रात 12:45 बजे उसने ट्रायल कंक्लूड किया और हमें कहा अगला जज सुनाओ का। अगर आज साहब बुनियादी असूलों को मद्देनजर न रखते हुए जज साहिबान फैसले दे दे वो इंसाफ नहीं, वो ना इंसाफी है। इंसाफ अगर वक्त ना मिले वो ना इंसाफी है। खान साहब जेल में है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम जज साहिबान से भी पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द रिहाई हो। बुश
जाति कोई देश नहीं है, सिर्फ खान साहब को प्रश्न मिलाने के लिए ये बनाया गया है। तो शफाना में आपको मालूम है, तो शफाना का केस इलेक्शन कमीशन पे चला था, वो एक सेशन जज के सामने हमारी बिलाल साहब के सामने भी चला था। तो शफाना के रिकॉर्ड के मुताबिक बुशरा बीबी का तो शफाना के रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं था, बुशरा बीबी के नाम कभी गिफ्ट नहीं आया था, बुशरा बीबी ने कभी कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किया था, बुशरा बीबी ने कभी किसी गिफ्ट के न पैसे दिए हैं न दिए हैं, बुशरा बीबी ने कभी उस पर कोई गिफ्ट नहीं किया था। कैबिनेट डिवीजन से जो रिकॉर्ड आया था तो शफाना का, उसमें बीबी का नाम नहीं था। स्टेट बैंक से पैसों का जो रिकॉर्ड आया था उसमें बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन के जो डॉक्यूमेंट आए उसमें बीबी का नाम नहीं था। हमारी दिलावर साहब के कोर्ट के सामने जिस वक्त खान साहब को त्रिपुटी की स्टेटमेंट रखी गई उसमें भी बीबी का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन फिर बीबी के खिलाफ ये केस सिर्फ इसलिए बनाया कि खान साहब को प्रेशर मिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब डील पे बिलीव नहीं करते, वो पावर शेयर पे बिलीव नहीं करते, वो हमारी ताकत चाहते, आवाम के हकूक की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना चाहते। आज हुआ के जेल में तो हमारे आजादी के लिए, इस अदलिया का आजादी के लिए, रूल ऑफ लॉ को अपहोल करने के लिए जेल में, हमारा फर्ज बनता है कि हम अदालतों के साथ जाएं और उनके लिए इंसाफ मांगे जो हम कर रहे हैं। डेढ़ साल से ये केस चल रहे थे, एक साल से खान साहब जेल में, हर अदालत हम गए थे, खान साहब आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताओ 200 केसेस में जब अरेस्ट नहीं हुए थे तब तक 300 मरतबा अदालतों में पेश हो गए, ऐसे हालत में पेश हुए कि वो चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे लाया गया, व्हील चेयर पे ऐसे हालत में लाया गया कि जज साहब कह रहे थे आप मेरे कोर्ट में गाड़ी अंदर नहीं लेके आ सकते, अगर मेडिकल एविडेंस है, सर्टिफिकेट है कि आप नहीं चल सकते फिर आपको अंदर आने की, आपकी गाड़ी के अंदर आने की इजाजत होगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में 70 साल बाद कानून अंधा ना हो, कानून आवाम के हकूक की तहफ़ करे, इसी के लिए ये वकला हमेशा बरसर बेकार रहे हैं। हमेशा से लाहौर हाईकोर्ट बार को ये एजाज हासिल है, लाहौर के वकीलों को ये एजाज हासिल है कि इन्होंने पाकिस्तान में बुनियादी हकूक के तहफ़ के लिए हमेशा इंसाफ के लिए आवाज़ उठाया और स्ट्रगल किया, यही वो मकसद है जिसके लिए आज अब यहाँ मौजूद है। हमारी रिजर्व सीटें थी, रिजर्व सीटों का केस सुप्रीम कोर्ट में है, हमारा फकत इतना कहना है कि हम यही समझते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीते हुए सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हमारा इतना कहना है, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि जब आपने 13 तारीख को हमसे निशान ले लिया तो आपने ऑर्डर में यह होल्ड फरमाया कि ये सेल्फ प्रोक्लेम चेयरमैन है, आपने ऑर्डर में यह फरमाया कि ये सेल्फ प्रोक्लेम सेक्रेटरी जनरल है। ऐसे सरकमस्टांसिस में जब इलेक्शन हुए, अवाम ने हमारे निशानात पहचाने, खान साहब के नजरिए के पीछे पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया, 12 करोड़ 80 लाख वोट है, उसमें 6 करोड़ वोट पोल हुआ है, 3 करोड़ वोट 167 पॉलिटिकल पार्टीज को मिला जिन्होंने वन फॉर्म और दी अदर पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, और 3 करोड़ वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्लैक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिला। यह सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बावजूद हमने कहा कि 13-18 तारीख को जब नोटिफिकेशन आया हमारे पास कोई अवसर नहीं था सिवाय सुनी इतिहास काउंसिल को ज्वाइन करने का। अब हमारे 78 सीट है, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि 67 को मिले और 11 लाख मुस्लिम की सीटें हमें मिले। हुकूमत की कोशिश है कि यह सीटें लेके 2/3 मेजॉरिटी अपने करे और अपनी मर्जी के आईन में कराने की करे। इन लोगों ने जब हुकूमत ले ली तो विद इन अ मंथ
ने अपने कानून में चेंजेस करके इन्होंने लॉ चेंज करके अपने सारे केस माफ करवाए। हमारी कोशिश यही है कि कोई कानून से बाला तर ना हो, इस मुल्क में एक कानून चले, एक दस्तूर चले, दो दो दस्तूरे ना हो कि अरीब के लिए एक कानून और अमीर के लिए एक और कानून। इसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। नामंजूर 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 करते हुए आज हम ये कन्वेंशन इसीलिए कर रहे हैं कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। अगर इंसाफ खुद जो मुंसिब है वो इंसाफ के तलबगार है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं हम आपके साथ शाना बशाना करें। इंशाल्लाह ताला इसी के लिए हमारा स्ट्रगल होगा, कोर्ट के अंदर भी, इस अदालत में भी, इन बाथरूमों में भी, और इंशाल्लाह ताला जाएंगे, वाक करेंगे, पीसफुल करेंगे, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे कि हम इंसाफ चाहते हैं। आवाम हक और इंसाफ के लिए बाहर रोडों पे पुरअमन तरीके से आ रही है वकला, ये मैसेज देने के लिए कि कानून का बोल बाला। हमने रैली निकाली है, यहाँ से जाना है, माल रीगल चलेंगे और तमाम लोग बातचीत पर जो भी खान साहब के साथ प्यार रखते हैं कोई पाशा साहब बने भाई पाशा साहब जोया साहब एक मिनट।